तो भाई गाड़ी हम लोगों की फंस चुकी है। इधर देखो इधर, ओहो गई 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 भैंसिया पानी में। तो भाई ये देखो इधर पूरा मस्त वाला गांव। इसका नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। और इधर देखिए क्या बैल के जुताई चल रही है भाया। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल देसी माटी में। आज एक बार फिर हम लोग निकल चुके हैं एक नई जगह पे जाने के लिए, जिस जगह का नाम अभी हम लोगों को पता नहीं है। अभी हम लोग माड़ा से आगे आ चुके हैं और हम लोग रास्ते में रुके थे पानी पीने के लिए। अब आगे जाएंगे चूड़ी बिंदुल के रास्ते में। दीपक भाई इधर तैयार हैं बाइक लेके, अब इस पे बैठेंगे और निकल चलेंगे। ये है भैया कचरा गांव, जहाँ पे ज़्यादा कचरा नहीं दिख रहा है, बस गांव का नाम ही कचरा है। ये देखो बैल वैल लमियावल गलवाने यहाँ। हाँ भाई भाई इधर देखिए क्या बैल के जुताई चल रही है भाया। काकू पलगी ऊपर में जाएगी फिर रास्ता रहा ना हो वही तुम बा जैसे गाँव बा ऊपर ना ये कौन गाँव लगा कचरा तुम्हारे बर्धा में ही कर लगा भाई। अरे हम राउंड बहुत बैल बना लेबा ना तुम्हारे फ्री में पहुँचवा देव है। तो देखो भाई इधर चल कर पूरा घर है कच्चा कच्चा भाई। अब कुछ आगे चलते हैं, इधर पूरा ये पहाड़ी इलाका है, उस पूरे पहाड़ी इलाकों को हम लोग आज घूम घूम के दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो भाई ये देखो इधर पूरा मस्त वाला गांव, बैढ़न से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है ये कचरा गांव। नाम गलत रख दिया गया है, देखिए कचरा टाइप का दिख रहा है क्या ये? इतना साफ सुथरा गांव कचरा गांव के नाम से नाम गलत रख दिया गया। तो ये देखो हरी भरी वादियों में फैला हुआ है, छोटे छोटे कच्चे के छोटे छोटे घर हैं। इधर सामने पहाड़ियों से घिरा हुआ, चारों तरफ से ये पहाड़ियाँ हैं। देखिए इधर पर्वतमाला, ये घूम के ऐसे 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 इस साइड से पूरा घूम के यहाँ तक फैली हुई। तो ये सारे घर हैं और इस घर की खूबसूरती देख के हम लोग का मन क्या हो गया, खूबसूरत हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब देखेंगे। गांव वाले बड़ी ध्यान से देख रहे हैं, कहीं कूटने लगे तो निकल लेते हैं हम लोग। हो सकता है कई गांव में ना हम लोग गए ना तो वहाँ के गाँव वाले पहले तो उग्र होके देखते हैं हम लोगों को, भला कौन आ गया अजीब इलाके में। हाँ हमारे इलाके में तो हम लोग यहीं की बोली भाषा है तो थोड़े बच जाते हैं। अरे भैया काकू हमरे लागी भाई। तो हम लोग ऐसी जगह पे आगे चलते चलते कि इधर से नदी और उधर से आ रहे हैं अपने दीपक भाई। हम ना पहाड़ी में गाड़ी ही नहीं चला पाते तो यही कारभार संभालते हैं। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे आके हम लोगों का मन मुग्ध हो गया। दिखाते हैं आपको सीन यहाँ का। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इधर से एक रास्ता आ रहा है पीछे से जो आया है, और इधर से एक नदी इस साइड से, और इस साइड से भी एक नदी आ रही है। इधर से पानी तो कम आ रहा है इस साइड से, लेकिन इस साइड से पानी ज़्यादा आ रहा है। तो दोस्तों जो हम लोग कचरा गाँव से निकल के और जंगलों के रास्ते होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। और यहाँ पे दीपक भाई एक पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर देखिएगा तो इसको क्या बोलते हैं। देखिए इसको क्या कहा जाता है, ऐसे बहुत जगह बनाए रहते हैं लोग। इसका नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं।
तो भाई गाड़ी हम लोगों की फंस चुकी है। इधर देखो इधर, ओ हो गई 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 भैंसिया पानी में। हाँ देखो बालू में फंस गई, आधी घुस गई है बालू में। आपसे धक्का देना पड़ेगा, एक्सीलेटर लेना तो पड़ेगा ही। बस ही रुकिए रुकिए, हम आते हैं आगे चक्कर घुमाओ। थी स्लिप तो ना मारी यार। रुको ना, तो निकल गई हम लोगों की बाइक, बालू में फंस गई थी भाई। अब हम लोग चलेंगे अगले गांव में। इनके मेहरारू परेशान करती है बार बार और फोन आ रहा है। नहीं भेजो क्या अभी? हाँ बैंक साइड है। देखो झूठ बोला जा रहा है भाई। हाँ थोड़ा घूमने आए हैं, फिर बाद में आएंगे ना कुछ देर में। तुम खाना पीना खा लो। अरे हाँ यार, क्या लड़का ले आना रहने यार सोनू। चलो ठीक है, हम सोनू को फोन करते हैं। देखिए भाई ये होती है शादीशुदा जिंदगी, लड़कवा के बिसरा गलवाना घूमा के चक्कर में। बच्चा भी ना ना मैं देखो भाई हम लोग 60 किलोमीटर दूर आ गए हैं, स्कूल में बच्चों को छोड़ के भूल गया है भाई, भूल गया। हाय हाय रे, कल ही बिल्कुल स्कूल ही ना जाए। इन लागा पापा, देखो भाई कुदरत में पापा ऐसे खो गए। बच्चे को ही भूल गए, बच्चे को ही भूल गए। ये वाला वीडियो हम काटेंगे नहीं। गाड़ी देखो यहाँ पे। देखिए हाँ इधर अब ठीक ठाक है, जूता में पानी घुस गया, बस गिर गए अभी हम लोग। कैमरा बंद था थोड़ा, यहाँ से ऐसे स्लिप की ना एक चक्का दिखता है। हम लोग ऐसे गिरते रहते हैं, बड़ी गिरे हुए बड़ी गिरे हुए लोग हैं हम लोग। तो भाई हम लोग ऐसे जंगल में अभी हैं जहाँ चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल, बीच में छोटा सा मैदान, एक टपरी लगी हुई है इधर, घर का पता नहीं है, लेकिन चारों तरफ हम लोग जंगल है। और उस जंगल के बीच में हम लोग लाए हैं लाल लाल जलेबी। हाँ इसको हम लोग खाएंगे, असली जलेबी खाने का मज़ा ये है। ये गुड़ ही जलेबी है कि चीनी पता नहीं। चीनी लगा तो चीनी जलेबी। तो भाई चलते चलते देखिए हम लोग एक जगह फिर आ गए जहाँ पे पेड़ विशाल काय पेड़ है। ये इधर बहुत ही लंबा है भैया, इसका और छोर नहीं पता चल रहा है, ये बहुत ही मोटा। इधर दीपक भाई का सेल्फी, इधर से फिर से एक नदी मिल गई हम लोगों को। अच्छा जंगल में जब भी आए और ये सब मिल जाए ना तो लगता है जीवन धन्य हो गया। ये देखो ये पूरा ऊपर तक, और यहाँ का सामने का नज़ारा देखो, कैमरे में उतना सुहाना आ नहीं पा रहा है जितना सुहाना है ये जंगल। देखो आप क्या मज़ा है यहाँ पे।
हम लोगों को बस पता है क्या मज़ा है, आप लोगों को नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे आना है तो क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं अपने पूरे 5 साल के ब्लॉग में, तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप कमेंट में कमेंट करके आ सकते हैं। क्योंकि तो दोस्तों अभी हम लोगों को लग रही है भूख, अब भूख के लिए हम लोग चलेंगे अपने बाइक तक, उसमें खाना रखे हैं कुछ समोसा चटनी, तो कचौड़ी रखे हैं, समोसा तो लाए नहीं थे हम लोग, तो चलते हैं और खाना खाते हैं उसके बाद घर को निकल जाएंगे। क्योंकि हम लोगों को घूमते घूमते हो गए लगभग 4 से 5 घंटे और यहाँ से जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन रहने का ठिकाना नहीं है और टेंट वगैरह हम लोगों ने लाया नहीं है, भविष्य में फिर आएंगे एक आध बार। तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नेचर घूमना है तो कमेंट करके बताइएगा और आप हमारे साथ आ सकते हैं।